बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर जहां प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खतरनाक हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सबसे गंभीर हालत नरेला का है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 571 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगले 6 दिन तक दिल्ली की हवा खराब रहने का अनुमान जताया गया है। तो सबसे ज्यादा खराब हालत नरेला में है, प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप यहां महसूस कर सकते हैं ऐसा घना कोहरा जो आपको दिख रहा है वो स्मॉग है। एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से कुछ भी विजिबिलिटी आपको कम नजर आ रही होगी, घर से बाहर निकलेंगे सांस लेने में आपको तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जहरीली हवा का एक तरीके से कही अटैक, दिवाली के बाद, त्योहारों के बाद, पराली जलाने के बाद जो स्थिति आज बन पड़ी है, एयर क्वालिटी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की एयर क्वालिटी है। राजधानी के कई जगह 400 के पार AQI पहुंच चुका है। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए दिवाली बीत चुकी, पराली का भी काम अलग अलग जगहों पर हो रहा होगा, वजह क्या है? क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद हम AQI में इतना बड़ा फेरबदल देखते थे, हालांकि उस समय भी कई जगहों पर 600 तक पहुंचा, लेकिन हवा चलने की वजह से 400 के करीब या 350 के करीब AQI था, लेकिन अचानक से एक बार फिर से 571 AQI, वजह क्या इसके पीछे लग रही है? देखिए, दिल्ली की अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो ओवरऑल AQI इंडेक्स है वो 385 है और कई इलाकों में 500 से ज्यादा है। यानी हवा इतनी जहरीली है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक बाहर रहता है, इस हवा में सांस लेता है, तो उसको सांस से जुड़ी जो तकलीफें हैं वो शुरू हो सकती हैं। इसके प्रमुख तौर पे 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली में जो है स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली एक तरीके का गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, यानी जो हवा है वो नहीं चल रही है, जो स्मॉग है वो ठहरा हुआ है, जिसकी वजह से जो AQI लेवल है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इसके अलावा गाड़ियों से जुड़ा हुआ जो प्रदूषण है वो है, कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, रेलवेज़ के हों, NHAI के हों, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को इजाज़त दी गई है कि आप कार्य कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जो पराली जो जलाई जा रही है पड़ोसी राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तमाम चीज़ों की वजह से जो दिल्ली में प्रदूषण है वो इतना ज़्यादा है इस वक्त कि दिल्ली के अंदर जो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक इस हवा में रहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सांस से जुड़ी तकलीफें, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, अन्य हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ये आपको शुरू हो सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं और बताऊं अपने दर्शकों को कि अगले 6 दिनों तक दिल्ली को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली का जो AQI लेवल है वो या तो पुअर कैटेगरी में रहेगा या सीवियर कैटेगरी में रहेगा। यानी जो दिल्ली की स्थिति है स्मॉग से और वायु प्रदूषण से, दिल्ली वालों को कम से कम अगले 6 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली सरकार अब एक नया इशू लेकर आई है, जो दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश जो ट्रक आते हैं उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यानी अब एक नया राज्य देखिए भरपूर हो रही है, लेकिन इसके लिए क्या ऐसा कदम उठाया जाता, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन स्थिति आज भी ऐसी है। 571 AQI, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।